हेलो फूडीज, तो कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस रेसिपी के लिए हमने यहाँ पे 7 लाल रंग के और मीडियम साइज़ के टमाटर ले लिए, साथ ही साथ 6 मीडियम साइज़ की प्याज ले ली है, 4 तीखी वाली हरी मिर्च ले लिए, 1 ही चद्रक का टुकड़ा लिया, साथ ही साथ 3 टेबलस्पून जितने काजू के टुकड़े लिए। अगर आपके घर में काजू के टुकड़े ना हो तो आप 15 से 20 नग काजू ले सकते हैं। अब इन सारी चीज़ों को हम कुकर के अंदर ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो कुकर के अंदर हमने यहाँ पे 1 ग्लास जितना पानी ले लिया है। इसके अंदर पहले हम लाल मिर्च, अदरक, प्याज, टमाटर और काजू के टुकड़े डालेंगे और लीड कवर करके इसकी 2 विसल लगा लेंगे। ऐसा करने से ग्रेवी का फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है, इसका कच्चापन निकल जाता है। यहाँ पर मैंने कुकर की 2 विसल लगा ली थी, कुकर ठंडा हो चुका था, उसके बाद मैंने खोल लिया है। अब हमें क्या करना है, टमाटर के जो छिलके ना उसे हटा देना है और इसे कम्प्लीटली ठंडा कर लेना है जब तक ये रूम टेम्परेचर पे नहीं आता। जब ये एकदम ठंडा हो जाएगा ना, फिर इसे हम मिक्सी जार में डाल के इसकी एकदम फाइन वाली प्योरे बना लेंगे। तो यहाँ पर हमारी प्योरे रेडी है। इसके अंदर हम 1.5 टीस्पून जितना कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, इससे कलर बहुत ही बढ़िया आएगा। अब इसे रख देंगे साइड में। दूसरी तरफ एक कढ़ाई में मैंने 2 टेबलस्पून जितना बटर ले लिया है, साथ ही साथ हम 2 टेबलस्पून जितना ऑयल डालेंगे। आप चाहें तो ये सब्जी सिर्फ बटर में या सिर्फ ऑयल में भी बना सकते हैं, ये टोटली आपके ऊपर है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं तेल और बटर अच्छे से गर्म हो चुका है, तो इसी वक्त हम इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून जितना जीरा। जीरे को हमें अच्छी तरीके से गोल्डन ब्राउन करना है और साथ ही साथ हम मिलाएंगे 3 चुटकी जितना हींग, इससे फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं अच्छी तरीके से हमारा ज़ीरा पक चुका है, तो इसी टाइम पे इसमें डाल देंगे हम 20 कली लहसुन के, जिसको मैंने कद्दूकस कर लिया था खरवटे में। इसको अच्छी तरीके से चला लेंगे। अभी इस टाइम पे मैंने गैस की फ्लेम को कर दिया है मीडियम। अब मीडियम फ्लेम पे हमें इसे पकाना है, पर ध्यान रखिएगा एकदम गोल्डन ब्राउन कलर नहीं आने देना है, हल्का सा इसे पकाएंगे करीबन 1 मिनट तक। 1 मिनट हो चुका है, तो इसी टाइम पे एक छोटा सा बारीक कटा हुआ शिमला मिर्च इसमें डालेंगे, इसे फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है। अब इसे भी हम 30 सेकंड तक भून लेंगे, इसका क्रंचीनेस मेंटेन रहे वो चीज़ का हमें ध्यान रखना है। तो अच्छे से हमने इसे चला लिया है। अब यहाँ पर मुझे पकाते हुए 30 सेकंड हो चुका है, तो इसी टाइम पे इसमें 1 टीस्पून जितना पाव भाजी का मसाला डालेंगे और अच्छी तरीके से एक बार चला लेंगे और फिर फटाक से हमने जो प्योरे बना के रखी थी वो डाल देंगे। ऐसा करने से इसका कलर बहुत ही बढ़िया आता है, आप देख सकते हैं कलर कितना बढ़िया आया है। अब अच्छी तरीके से एक बार सभी चीज़ों को हम मिक्स कर देंगे। अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद इसमें हम एक छोटी सी जो पूरी पालक की आती है वो हमने बारीक चॉप करके ली हुई है। इस टाइम पे पालक ऐड करने की वजह से इसका जो कलर है ना वो मेंटेन रहता है, वो काला नहीं पड़ता है। अब अच्छी तरीके से वापस से इसको मिक्स कर लेंगे। पालक वज़न में 250 ग्राम जितना है, ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब अच्छी तरीके से मैंने यहाँ पर मिक्स कर लिया और अब हम मिला लेंगे बाकी के मसाले। तो 1/2 टीस्पून जितना हल्दी पाउडर जाएगा, 1 टेबलस्पून जितना धनिया जीरा पाउडर जाएगा, साथ ही साथ स्वाद अनुसार नमक मिला लेंगे। ध्यान रखिएगा पालक में भी नमक रहता है, तो इस वजह से आपको नमक डालने में सावधानी रखनी है। एक बार इस तरीके से बना के ज़रूर से देखिएगा, आपको बहुत पसंद आने वाली। अब अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद लीड कवर करके हमें इसे 2 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पर पका लेना है। तो 2 मिनट के बाद आप देखेंगे ना तो साइड से ऑयल छूटने लगेगा। अब एक बार अच्छी तरीके से इसको चला लेंगे। बीच बीच में मैंने 1 से 2 बार चला लिया था, ये चीज़ का ध्यान रखिएगा ताकि ये तले में चिपके ना। हम यहाँ पे इस टाइम पे थोड़ी बारीक कटी हुई धनिया पत्ती डालेंगे और साथ ही साथ मिलाएंगे 200 ग्राम जितना पनीर, जिसको मैंने बड़े ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लिया था। अब इसको अच्छी तरीके से वापस से मिक्स कर लेंगे ताकि जो सारे मसाले वो पनीर के साथ एकदम मिक्स हो जाए। ये सब्ज़ी थोड़ी सी ग्रेवी वाली होती है, तो इस वजह से हम यहाँ पर मिलाएँगे गर्म पानी। तो करीबन 1 कप जितना हम गर्म पानी मिला रहे हैं। अगर आप ठंडा पानी मिलाएंगे तो सब्ज़ी का जो टेम्परेचर है वो डाउन हो जाता है, तो इस वजह से सब्ज़ी का टेस्ट बिगड़ जाता है। तो जब भी कभी आप सब्ज़ी बनाएं तो इसमें गर्म पानी का ही यूज़ कीजिए। अब अच्छी तरीके से हम इसे मिला लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी थिकनेस, तो थोड़ा थोड़ा करके मैंने पानी मिलाया। टोटल हमने 1 कप यहाँ पर पानी का यूज़ किया हुआ है। अब ये जैसे जैसे पकेगा वैसे वैसे गाढ़ा होता जाएगा। तो अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद लीड कवर करके वापस से इसे हमें 2 से 3 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। बीच बीच में हमें चला लेना है, ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो 3 मिनट के बाद आप देखेंगे कि ऑयल छूटने लगा है, तो हम एक बार इसे चला लेंगे। अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद इसमें हम डालेंगे चीज़ क्यूब। तो जो प्रोसेस चीज़ क्यूब आता है वो हमें डालना है। तो यहाँ पे अभी मैं 1 चीज़ क्यूब ग्रेट करके डाल रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें 2 से 3 भी डाल सकते हैं, ये आपके ऊपर है। चीज़ डालने की वजह से इसमें एक तो क्रीमीनेस आती है, साथ ही साथ फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा क्योंकि एक और तड़का लगाना बाकी है। इस टाइम पे इसमें डाल दिए धनिया के पत्ते। दूसरी तरफ एक तड़का पैन में हमने 1.5 टेबलस्पून जितना ऑयल गरम करने के लिए छोड़ दिया था। ऑयल गरम हो चुका है, इसी टाइम पे इसमें 1 टीस्पून जितना कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और 1 टेबलस्पून जितना पाव भाजी का मसाला डालेंगे। थोड़ा सा चला लेंगे और फिर इस तड़के को डाल देंगे इस सब्ज़ी के ऊपर। और जो तड़का
बाकी का बचा हुआ है उसके अंदर सब्जी मिला के कुछ इस तरीके से हमें डाल देना है सब्जी के ऊपर। यहाँ पर आप सब्जी की रंगत देख सकते हैं, इसे अच्छी तरीके से हम एक बार मिक्स कर लेंगे और फिर इसे हम सर्व कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आज इसे मसाला पाव के साथ सर्व कर रही हूँ। अब जब भी कभी पनीर की सब्ज़ी खानी हो ना तो एक बार इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। अब इसके ऊपर हम ग्रेट करेंगे थोड़ा सा चीज़ और फिर डालेंगे थोड़े से धनिया के पत्ते, इससे फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है। तो अगर आज का ये वीडियो किसी भी कारण से आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ ही साथ पास में दिए गए बेल बटन को जरूर से हिट कीजिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मैं जल्दी मिलूंगी ऐसे ही एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।